की। हाँ, ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है मेरे डैड के लिए। तो अब तुम बोलो। आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है शिनचैन, तुम यहाँ कब आए? थोड़ी देर हो गई डैड। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? वैसे आपको पता है डैड, मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अब क्या करूं? लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी प्यारी डिश चल गई है, लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा। इसी को तो असली दोस्ती कहते हैं डैड। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नए खिलौनों को। इन खिलौनों को आजकल बच्चे हैं। मैंने तो सुबह ही इसे न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो मिट्सी, शिनचैन अब एक बड़ा भाई बन गया, इसलिए ये गिफ्ट इसे फ्यूचर में अच्छा बनने में मदद करेगा। अजीब बात है। मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है, मैं कार्ड्स पोस्ट करके भी आया। अब सबको वक्त पर कार्ड्स मिल जाएंगे। अरे क्या हो गया मिट्सी, वो सब लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। दादाजी उधर देखिए, दादाजी, दादाजी, हम इधर हैं। अरे शिनचैन बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या ये हमसे पहले पहुँच गया? अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी। हेलो दादाजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, आज तुम हमसे पहले ही पहुँच गए, वाह। तुमने सही कहा, पहले पहुंचना तो मेरी आदत है। वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुक गए थे, इसीलिए हमें देर हो गई। तुम बहाने बना रहे हो ना? हाँ ऐसा ही है। मेरे पीछे रहो तुम। फालतू बातें मत करो। ये कभी नहीं बदलेंगे। सर ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं? बेटी मैं तो बहुत आराम से चल रहा था, इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों करते हो तुम? नहीं ये मैंने नहीं, ये तुमने शुरू किया था। ये तुम्हारी याद है। अरे तुम्हारे मेरे पैर लंबे हैं और तुम्हें लगता है कि मैं भाग रहा था? कम से कम न्यू ईयर के वक्त मैं रिलैक्स करना चाहता था। अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुंचकर क्या करेंगे हैरी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अरे इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और आप भी ख्याल रखा कीजिए हैरी, बीमारी के सामने जरा ठीक से पेश आया कीजिए। मैंने क्या किया? अच्छा आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सफर लंबा था, आप लोग थक गए होंगे। देखिए सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा। मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता, इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊँ। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही, तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ, हम जरूरी लोग हैं, हम जाएंगे। अच्छा तो ये मतलब है, तो पहले हम ये फैसला कर लें कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाइए। कम से कम मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना। बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो जाना होगा ना, और मैं नए साल का खाना बनाने में मिसी की मदद करने वाली हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। और मैं हिमा वारिक को क्वांटम की कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये झूठा बहाना बना रहा है। इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है। देखिए अब सिर्फ एक ही जन अंदर आ सकता है, तो आप में से वो आ जाए जो ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों से ही काम कर रहे हैं। मेरे भी, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने ऊपर इतना वजन डालना चाहिए। मैं तुम्हें करके दिखाऊं क्या? ये देखो धनुरासन, ये देखो 200-400 पुशअप तो ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं। खुशबू अच्छी आ रही है ना? ये डिश तो बहुत ही अच्छी बनी है, क्या बढ़िया स्वाद है। क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं? अपने नाना जी को खिलाओ, वो थक गए हैं बेटा। तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, समझे तुम? ये लो। आप लोगों को भूख लगी होगी ना, आ जाइए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। थोड़ी देर पहले हमने कसरत की थी, इसलिए थोड़ी भूख लगी है। चलो खाना खा ही लेते हैं। ये लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए ना प्लीज। चलो खाना शुरू करते हैं। ये राइस बॉल चौकोर क्यों है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर ऐसे ही राइस बॉल्स बनाए जाते हैं। और मॉम इन्हें बहुत आसानी से काट लेती है ना मॉम? मिट्सी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है, तुमने चौकोर क्यों बनाई है? तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और खा लीजिए ना।
ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ। नहीं, अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये गोल वाली ही खा लूंगा। देखो, खाना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है। चौकोर वाली मुझे पसंद है, चाहो तो तुम्हें गोल दे देंगे। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है। एक बात बताऊं, राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है। चलो यहाँ से चलते हैं। दादाजी जीतेंगे? नहीं, देखकर तो लगता है कि नाना जी भी जीत सकते हैं। कुछ भी कहना मुश्किल है। दोनों खिलाड़ियों के दिमाग गर्म हो चुके हैं। दर्शकों, गोल से देखिए, अपने नाक का नाक खुले रखिए। फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। इस बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।